हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो भी हमारा जीएसटी रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर ही होगा, जिस पर मैंने इसके पहले चार पांच वीडियो डाला है, पर अलग अलग में अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस को दिखाने का कोशिश किया हमने। और इसमें भी कुछ अलग करेंगे। अलग इसमें ये होगा कि इसमें दो रेट के, इसके पहले के जो थे सभी में एक ही रेट के, जिसमें किसी में 18% का था तो पूरा वीडियो 18% जीएसटी पे ही था, या 12% वाला था तो उस पर पूरा वीडियो 12% वाला जीएसटी पे ही था। और इसमें हम लोग दो अलग अलग रेट के ट्रांजेक्शन जीएसटी अलग अलग रेट के जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन देखेंगे, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दोनों ही एंट्रीज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उनके जर्नल एंट्रीज। तो फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर सचिन मुजफ्फरपुर बिहार। सचिन जो मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहां का रहने वाला है, वो बिजनेस का मालिक है और उसका बिजनेस भी बिहार में ही स्थित है। वो ट्रांजेक्शन, उसके सारे ट्रांजेक्शन ये लिखे हुए हैं, तो है वो बिहार का। तो याद रखना कि बिहार के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल होगा, और बिहार के बाहर से उसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा। तो पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक पटना। अशोक पटना क्या है, उससे माल खरीदा गया, पटना बिहार में है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल होगा। ये मार्च 1 को है, तो मार्च 1 को क्या होगा, गुड्स खरीदा जा रहा है, किससे खरीद रहे हैं, अशोक से खरीद रहे हैं, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है भाई, 5 लाख रुपए का, और इस पर हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां जीएसटी इस ट्रांजेक्शन का, ये जो पहला जो अशोक से खरीदा गया है वहां पे जीएसटी है 18%, तो 18% दो भाग में बटेगा, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो कितना हो गया, 9%, 5,45,000, और एसजीएसटी भी इतना ही 45,000 टू अशोक से अकाउंट 5 लाख, कुल मिलाकर कितने हो गए, 5,90,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अशोक पटना, जगह का नाम लिख देता हूं यहां पे, ये क्लियर करने के लिए कि ये इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है, राज्य के अंदर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पहला एंट्री हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000 टू अशोक अकाउंट 5,90,000। दूसरा मार्च 4 को परचेज गुड्स फ्रॉम अरविंद दिल्ली, ये दिल्ली का है, तो ये राज्य के बाहर से ट्रांजेक्शन है, दिल्ली से है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा, यहां पे गुड्स खरीद रहे हैं, तो मार्च 4 को परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट परचेज अकाउंट डेबिट 6 लाख का, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, तो भाई 6 लाख का 12% 72,000 टू कौन है, जिससे खरीद रहे हैं, अरविंद। हाँ, यहां पहले वाले ट्रांजेक्शन में 18% जीएसटी था, और ये जो ट्रांजेक्शन अभी दिखा रहे हैं इसमें 12% जीएसटी है, सब में मैंने जीएसटी लिख रखा है, तो ये जीएसटी 12% है, तो 6 लाख का परचेज कर रहे हैं, उसके 12% 72,000, मतलब 6,72,000 हो गया, तो टू अशोक से अकाउंट, सॉरी अशोक नहीं, यहां पे अरविंद है, अशोक पहले वाले एंट्री में था, टू अरविंद से अकाउंट 6,72,000, ये हो गया। और इसके आगे का एंट्री, सोल्ड गुड्स टू रंजन भागलपुर, ये रंजन है भागलपुर का, जिसे अच्छा इसका नरेशन नहीं लिखा है,
बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अरविंद बेली, ये हो गया। हाँ अब ये मार्च 8 को सोल्ड गुड्स टू रंजन भागलपुर, रंजन जो भागलपुर का, भागलपुर भी बिहार में ही है, तो यहां पे भी क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि राज्य के अंदर का ट्रांजेक्शन है। तो यहां बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, रंजन को बेच रहे हैं, तो रंजन से कौन डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, यहां पे जीएसटी कितना है, यहां पे जीएसटी 12% है, और तो ये 12% दो भाग में बढ़ जाएगा, 6% हो जाएगा, 6% सीजीएसटी हो जाएगा, टू सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी बेचते समय आउटपुट होता है, खरीदते समय इनपुट होता है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, वो जो जीएसटी का 12% है वो दो भाग में बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, कितने का बेचा है हमने, 4 लाख का, तो 4 लाख इसका 6% हो गया सीजीएसटी 24,000 और 6% एसजीएसटी 24,000, तो टोटल मिलाकर हो गया कितने से डेबिट करेंगे रंजन को, रंजन को डेबिट करेंगे 4,48,000 से, 4,48,000, ठीक है, ये हो गया बेइंग गुड्स सोल्ड टू रंजन भागलपुर, ये हो गया। अब अगला एंट्री मार्च 15 को पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रचार का खर्चा दिया है, विज्ञापन का खर्च किया हमने, तो वो कितना किया, 30,000 रुपए, इस पर जीएसटी कितना है 18%, और यहां कुछ नहीं लिखा तो ये मान के चलेंगे कि ये लोकल में अपने स्टेट के अंदर ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया गया है, ठीक है, तो इसके लिए एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और यहां पे भी चूंकि स्टेट के अंदर है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 18% 9% 9% दो भाग में बढ़ जाएगा तो 9% हो गया, 30,000 का 9% 2,700 सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी टू कैश अकाउंट, तो कितना हो गया 35,000 35,400, 30,000 एडवर्टीजमेंट के खर्च के और जीएसटी के 2,700 और सीजीएसटी के 2,700 और एसजीएसटी के 2,700 मिलाकर 5,400 रुपए ये हुए, तो मिलाकर 35,400, ठीक है, बेइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे। तो अगला देखते हैं, मार्च 20 को सोल्ड गुड्स टू अजय सिंह यूपी 8,00,000, यूपी का है वो, उत्तर प्रदेश का अजय सिंह जिसे बेचा गया वहां 8,40,000 अगेंस्ट चेक, और उसे चेक लिया गया एंड द चेक डिपॉजिट चेक, और बैंक में वो चेक जमा कर दिया गया है, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है ये तो नगद में क्योंकि चेक ले लिया गया और चेक को बैंक में जमा कर दिया गया है, बेचा गया है जिसे वो स्टेट के बाहर का है, तो यहां पे क्या होगा एप्लीकेबल आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, एंट्री करेंगे
जीएसटी यहां पे इस ट्रांजेक्शन में है 18%। तो मार्च 20 को चेक से पेमेंट मिला और चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा गया है, 8,40,000 रुपए का। टू आउटपुट, बेचते समय जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट यहां पे क्या होगा, आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट के बाहर से अलग स्टेट से ट्रांजेक्शन है। ये 8,40,000 का 18% होगा, 151,200 मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, आप एक बार करके खुद से भी देखेंगे। तो हो गया कितना, हो गया टोटल मिलाकर कितना मिलेगा, कितने का चेक चाहिए हमें, 9,91,200 का चेक हम लेंगे, है ना, 201,59,89 बिंग गुड सोल्ड टू अजय यूपी। ये हो गया। अब अगला, पे फॉर इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सेवा के लिए पेमेंट कर रहे हैं हम 20,000 रुपए, जिसपे जीएसटी है 18%। कुछ नहीं लिखा है तो स्टेट के अंदर का ही ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री करेंगे मार्च 25 को इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट और स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दो भाग में हो जाएगा, 18% जो है वो 9% में 99% में हो जाएगा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, है ना। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। यहां पे जीएसटी 18%, 18% तो 9% करके दो भाग में तो कितना हो गया, 1,800 सीजीएसटी और 1,800 एसजीएसटी। टू कैश अकाउंट कितने हो गए भाई, तो 23,600। ठीक है, ये बैंक इंटरनेट चार्जेस पे हो गया एंट्री। एंट्री तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग जीएसटी का एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले तो पहले टोटल कर लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी कितना, इनपुट सीजीएसटी कितना, इनपुट एसजीएसटी कितना, उसी तरह आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को टोटल करते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी जो है हमारा, पहले इनपुट आईजीएसटी कर लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी का जो टोटल था, एक ही ट्रांजेक्शन था जहां पे हम लोगों ने खरीदा था माल बाहर से, परचेज किया था, वो था कितने का था, जीएसटी, जीएसटी था इनपुट आईजीएसटी का टोटल था 72,000 का परचेज किया था, ठीक है। और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट पहले सीजीएसटी कर लेते हैं फिर एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी जितना उतना इनपुट एसजीएसटी भी होगा, वो था माल परचेज किया था उसका था 45,000 और उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट पे किया था 2,700 रुपए 2,700 और एक था अभी जो इंटरनेट चार्जेस का था ये 1,800 रुपए मिलाकर 49,500। तो इतना ही एसजीएसटी भी होगा, इनपुट
एस जी एस टी वी सेम 45,000, 2,700, 1,800 इस तरह मिलाकर 49,500। तो इनपुट आई जी एस टी 72,000, इनपुट सी जी एस टी 49,500 और इनपुट एस जी एस टी भी उतना ही 49,500। ये हो गया इनपुट। और अब आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आई जी एस टी, आउटपुट आई जी एस टी है हमारा, अभी हमने जो बेचा है यूपी में माल बेचा था उसका आई जी एस टी आउटपुट 151। और आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट सी जी एस टी भी एक गुड्स बेचा था उसी का था ना, गुड्स ही बेचा था। आउटपुट सी जी एस टी सिर्फ एक ही था, एक ट्रांजेक्शन जो बेचा था गुड्स हमने, 24,000 उसका सी जी एस टी था आउटपुट, और इतना ही होगा आउटपुट एस जी एस टी भी 24,000। ये टोटल है, ठीक है। अब जो एडजस्टमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो इनपुट से इनपुट को एडजस्ट करेंगे, सॉरी आईजीएसटी से आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। तो वो करते हैं आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना एडजस्ट करना है, हमारा इनपुट है कितना आईजीएसटी का, तो हमारा इनपुट है 72,000, तो इतना ही एडजस्ट करना है हमारा। हालांकि आउटपुट हमारा बहुत ज्यादा है, 51,200 है, हमने जो कस्टमर से कलेक्ट किया है 51,200, और जो हमने आईजीएसटी पे किया है वो 72,000, तो 72,000 तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। बाकी पैसा गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, पर हम देख लेंगे सीजीएसटी, कहीं हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का एक्सेस तो नहीं है, तो वो अगर है तो हमारे पास मौका रहेगा इस इनपुट आउटपुट आईजीएसटी के टोटल से हम उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर वो हमारा ज्यादा है तो, नहीं तो फिर तो पे गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो ये तो कर लिया हमने भी, इसलिए अभी वेट करेंगे, सारा कैलकुलेशन देखते हैं। देख लेते हैं पहले इधर ही, आउटपुट आईजीएसटी हमारा 151,200 है, यहां पे लिख देता हूं एडजस्टमेंट ऊपर में समझने के लिए। यहां तो हम लोगों ने टोटल किया, ठीक है ना, ये हमारा टोटल था, ये भी हमारा टोटल था, ठीक है। अब एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में पहले तो आउटपुट आईजीएसटी हमारा, आउटपुट आईजीएसटी कितना है 151,200, जिससे हम एडजस्ट करेंगे, लेस इनपुट, लेस करेंगे इनपुट आईजीएसटी, वो कितना है 72,000। तो हमारा भी निकल आउटपुट आईजीएसटी बचा है कितना, 200 इधर 11,200, और 79,200 है जो कि हमारा आउटपुट आईजीएसटी का एक्सेस है। तो अब हम देख लेंगे कि सीजीएसटी एससीएसटी का इनपुट हमारा कहीं ज्यादा तो नहीं, अगर वो है तो उसे हमें इस आउटपुट आईजीएसटी के एक्सेस से एडजस्ट करने का मौका है, और नहीं है तो फिर ये तो गवर्नमेंट को पे करना है। अब ये हो गया आईजीएसटी का, ये सीजीएसटी का देखते हैं। आउटपुट सीजीएसटी हमारा कितना है 24,000,
और इनपुट सी जीएसटी हमारा है 49,500, इनपुट सी जीएसटी है हमारा 49,500। तो यहां पे 24,000 तो एडजस्ट हो गए हमारे, पर बाकी बच गए 25,500, 25,500। ये हम जो हमारा एक्सेस बचा हुआ आउटपुट आईजीएसटी का उससे एडजस्ट करेंगे, और इस तो इतना ही होगा हमारा, तो फिर यही अमाउंट इतना ही हमारा आउटपुट एसजीएसटी में भी होगा, आउटपुट एसजीएसटी भी सेम अमाउंट ही रहता है रहेगा 24,000, और इसमें हमने एडजस्ट किया इनपुट एसजीएसटी 49,500, तो ये तो पूरा नहीं होगा, तो यहां भी एक्सेस निकलेगा 25,500। मतलब अब इसे समझना है कि हमारा आउटपुट आईजीएसटी है 151,200, जिसमें हमने अपना इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास सरप्लस बच गया आउटपुट का 79,200। अब ये 79,200 हम गवर्नमेंट को पे कर देते, लेकिन हमारा क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है वो एक्सेस हो जा रहा है, तो उसे हम इस ये जो एक्सेस हमारा आउटपुट आईजीएसटी का है इससे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा जो आउटपुट आईजीएसटी का जो एक्सेस है कितना है, 79,200। इससे हम लेस करेंगे लेस एक्सेस ऑफ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एक्सेस ऑफ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एससीएसटी, तो वो कितना कितना है, तो 25,500 25,500 और 25,500। इस तरह से ये 51,000 और एडजस्ट होके बाकी जो बचेगा गवर्नमेंट को पे करेंगे 28,200। ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले तो एडजस्टमेंट जो हुआ इस तरह से हुआ कि आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया गया, और जो सरप्लस अमाउंट रहा उसे नियम था गवर्नमेंट को पे करना है, पर देखना है क्या यहां पे कि हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो एक्सेस अमाउंट निकला उसे भी हमने आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट किया, उसके बाद जो आउटपुट आईजीएसटी का बाकी रकम बच गया, बाकी एक्सेस बच गया, वो गवर्नमेंट को पे किया गया, उसे एंट्री में देखते हैं। ये तो हमने कर ही दिया था, आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी 72,000 को एडजस्ट किया था, बीइंग 72,000 ये हो गया। अब पहले तो हमारा जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है उसे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू
इनपुट सी जी एस टी काउंट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट, तो वो कितना हो पा रहा है हमारा, क्योंकि वो 24,000 करके ही आउटपुट सी जी एस टी और आउटपुट एस जी एस टी, तो उतना ही वो एडजस्ट हो पाएगा, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बीइंग पार्ट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी एडजस्टेड आउट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये हो गया। अब बाकी जो बच गया था इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का टोटल एक्सेस, वो हमने जो आउटपुट आईजीएसटी का जो बचा हुआ हिस्सा था इनपुट आईजीएसटी के एडजस्टमेंट के बाद उससे एडजस्ट किया। तो यहां पे क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना टोटल था हमारा, था 79,200। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, 25,500। टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 25,500 और बाकी जो बच गया गवर्नमेंट को पे किया, पे टू, ये है पे टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को जो बाकी बच गया था 28,200 रुपए, ये सारे सारा एडजस्टमेंट होने के बाद वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, कितना 28,200 रुपए। तो टू बैंक अकाउंट 28,200 बीइंग इनपुट CGST and SGST adjusted with output IGST and rest of आउटपुट आईजीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, जो बच गया वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।